हनुमानगढ़ से है, जहां आज पुलिस शहादत दिवस पर पैरामिलिट्री व शहीद हुए 377 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने भी इस अवसर पर एसपी प्रीति जैन के नेतृत्व में शहीद पुलिस कर्मियों को नमन किया। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन व सदर थाना में शहीदों की याद में पौधारोपण के बाद पुलिस के जवानों ने सभी पौधों की देखभाल का संकल्प लेते हुए उन सभी पौधों पर ट्रिगार्ड भी लगाए। एसपी ने इस अवसर पर पत्रकार से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस लाइन के जर्जर क्वारियों की भी शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाएगी। आज कार्यक्रम में क्या कहेंगे आप? आज पुलिस शहीद दिवस है। इस अवसर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 377 जवान, जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी शहादत दी, उनको हमने याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही जो पुलिस लाइन हनुमानगढ़ और सदर थाना में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। आज का दिवस जो है वो हम सबको याद दिलाता है कि कर्तव्य के लिए अपने सर्वोच्च बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जिन लोगों ने इसको शहादत दी है उनको हम सब अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए नतमस्तक हैं। पुलिस के लिए सुविधाओं के लिए क्या कोई राज्य सरकार से आपने प्रस्ताव भेजा, जैसे कोई क्वार्टर खराब है, कोई कई सुविधाओं की कमी है मैडम? पुलिस लाइन में जो क्वार्टर हैं उनको रिपेयर करने के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में भेजे गए हैं। इसके अलावा भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भेजे जाते हैं। पता नहीं लगता है ना, ठाई कौन लग गए, अब ठीक है। डाल दी बड़ी नीचे हिले।